नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश ट्रिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पार्ट वन में हमने आपको बता दिया करणी और घातांक के बारे में कि ये क्या होता है, कैसा दिखता है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं, गुणा में रहेगा तो कैसे लिखेंगे, जोड़ में रहेगा घटाव में रहेगा तो कैसे लिखेंगे, सभी के बारे में बता दिया। और एक लास्ट में क्वेश्चन भी कराया जो 60 ट्रिक से ही करवाया। अब इसमें मैं क्वेश्चन इक्वल सॉल्व कराऊंगा जो हर एक एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं एक बुक से लिया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को, अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन लूंगा सभी किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैं कल बताया था पिछले वाले वीडियो में, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अंडररूट 7 माइनस अंडररूट 5 अपान अंडररूट 7 प्लस अंडररूट 5 प्लस अंडररूट 7 प्लस अंडररूट 5 अपान अंडररूट 7 माइनस अंडररूट 5 बराबर है। ऑप्शन दिया है 4, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये पूछा है क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन का मैं 60 ट्रिक आपको बताया हूँ, केवल ऐसे एक का बताया हूँ। तो दो दिया है, दोनों का ऐड करते हैं, बीच में प्लस दिया है, तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। 60 ट्रिक में आपको मैं बताया, पहले देखना है कि जो ऊपर संख्या दी गई है वही नीचे भी संख्या दी गई है कि नहीं, चिन्ह आपस में चेंज हो सकता है, तो संख्या सेम ही है। अब हमारा जो ट्रिक है वो यहां पर फॉलो होगा। मैं आपको पहले बताया ऊपर लिखने के लिए जो संख्या दी रहेगी उसका योग बटा में दो कर देंगे, 7 5 12 बटा में दो करेंगे कितना आ जाएगा 6। और यहां पर जो चिन्ह ऊपर वाला रहेगा वही चिन्ह यहां पर लिख देंगे। अब देखिए फिर माइनस में, करने की बाहर रहेगा, फिर माइनस में माइनस लग गया। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई रूट में कर देंगे, ये आ जाएगा 35। नीचे मैं आपको क्या बोला कि नीचे आपको संख्याओं के वर्गों का अंतर बटा में दो करना है, तो वर्गों का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, बटा में दो मैं आपको बोला, तो ये आ जाएगा 2/2, ये आएगा 1। एक यहां पर लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं यहां पर आएगा। इसी तरह संख्याओं का योगफल बटा में दो, 12/2 हो जाएगा तो ये भी 6 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। अंडररूट ये आ जाएगा 35 गुणा कर देंगे बटा में, इसको इसका भी अंतर निकालेंगे, इन संख्याओं का वर्ग करके अंतर निकालेंगे तो यही आएगा, 1 आएगा, अर्थात इससे हमसे मतलब नहीं है, यहां पर बटा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इतना हमारा आ गया, अब इसको हम माइनस प्लस से करा दे रहे हैं, ये दोनों टोटल कितना आ जाएगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको समझाने में मेरे को इतना टाइम लगेगा, आप आराम से आएंगे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसमें और ऑप्शन को ट्रिक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो पिछला था, अब स्टार्ट होगा कुछ नया कंसेप्ट, नया वीडियो है तो नया कंसेप्ट होना चाहिए। 4 + 3 अंडररूट 16 बटा में इतना, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना, इसमें कोई 60 ट्रिक लगाने वाली बात नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है। 4 + 3 गुणे इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 आएगा, 4 × 12 = 16 आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा हमारा इसका 4 आंसर, प्लस माइनस होता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए तो कोई सोचने समझने की बात नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। अब यहां पर तो मान लीजिए निकल जा रहा है, इस तरह तो आप निकाल ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब वर्गमूल नहीं बनेगा तो क्या किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। फोर प्लस टू अंडर रूट थ्री अपान
सॉरी अपान नहीं है, कितना ही है, यहाँ पर थ्री है, फोर प्लस टू अंडर रूट थ्री। तो देखिए यहाँ पर आ गया, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान होता है तो करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जब करनी के अंदर करनी हो, जब करणी के अंदर करनी हो तो उसके लिए तीन ही कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा। करनी के बगल में दो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम लाएंगे, चाहे गुणा करके, चाहे जोड़ करके, चाहे भाग दे करके, जिस तरीके से हो सकता है उसको लाएंगे। यहां पर दो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे जो गुणा करने पर तीन और जोड़ने पर चार आ जाए। गुणा करने पर तीन, जो अंदर वाला है, गुणा करने पर अंदर वाला आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए, यहां पे जो दिया है। तो हमारा हो जाएगा तीन और एक। अब आते हैं बीच में चिन्ह कौन सा लगाएं, बीच में जो यहां पर चिन्ह रहेगा वहीं चिन्ह लगा देंगे, हो गया। अब इसको करनी लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोनों पर करनी लगाना है। जी हाँ दोस्तों, दोनों पर करनी लगाना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा प्लस वन। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा, केवल यही आंसर हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। यहां पर देखेंगे दो है कि नहीं है, यहीं पर केवल ध्यान देना है, दो नहीं रहेगा तो लाएंगे, कैसे लाएंगे वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। यहां पर जो संख्या दी गई है, गुणा करने पर उतना आना चाहिए, जोड़ने पर चार आना चाहिए, यहां पर जो संख्या दी रहेगी वही आना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री, 19 × 19 − 6 √2 आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है, हमने आपको बताया यहां पर, क्वेश्चन एक बार और ध्यान से देख लेता हूं, हाँ यहां पर दो होना चाहिए, क्वेश्चन तो उसी तरह है, करनी के अंदर करनी है, यहां पर दो होना चाहिए, दो हम यहां से लाएंगे कैसे, माइनस यहां पर तीन इंटू दो कर देंगे, इतना कर देंगे। अब यहां पर दो छोड़ना है, तीन को अंदर लाना है, तो जब तीन को अंदर लाना रहेगा तो ये वर्ग के रूप में जाएगा। मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छे से करनी को हटाना, गुणा करना, जोड़ घटाओ सब बता चुका हूं, यहां पर न हो जाएगा, फिर पूरी पर करनी, ये 19 − 2 ये हो जाएगा 18 आ गया हमारा इतना। अब यहां पर दो आ गया, अब हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहीं फिर कंसेप्ट लगाएंगे, ऐसा कोई दो संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर 19 आ जाए, तो ये हो जाएगा 18 और 1, गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। यहां पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे, और करनी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, करनी लगाना नहीं भूलना है, नहीं आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, −1 यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए यहां पर करनी, यहां पर कुछ दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, 3 + √5 के पूरे रूट का पूरा रूट। देखिए यहां पर हमें दो लाना जरूरी है, करनी के अंदर करनी दिया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, यहां पर हमें दो लाना बहुत जरूरी है तभी हमारा ट्रिक फॉलो होगा। तो 3 + क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे, दो से भाग कर देंगे, यह आ जाएगा 5, ये पूरा करनी में है, क्योंकि इसका मान कट करके एक हो जाएगा, केवल यही बचेगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये हो जाएगा 6 + √5/2। ये देखिए पूरा करनी में, पहले नीचे जो करनी में उसको साइड कर लेते हैं, फिर हमारा इतना ही बचेगा, करनी के अंदर करनी, यहां पर दो हो गया, तो अब ऐसी संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर 5 हो जाए और जोड़ने पर 6 हो जाए, तो हमारी वो संख्या हो जाएगी 5 और 1, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लें, और करनी लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये हो जाएगा 5 करनी में + 1/2 करनी में 2,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको मैं जो भी संभावना हो सकती थी उसको आप यहां पर सॉल्व करा दिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जिसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूं, रूट टू इंटू रूट थ्री के पूरे करनी में। ये क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2015 में। ये पूछा है कि इसके घातांक क्या होंगे, यहां पर तीन है, इसके घातांक क्या होगा। तो घातांक के लिए मैं आपको बताया हूं कि गुणा का जब रहेगा तो आपस में इसको गुणा करके लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में बता दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं उस वीडियो को। बिना उसको देखे इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप जाइए वहां से देख लीजिए। बिल्कुल करनी से केवल स्टार्ट किया हूं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसी ऐसी बेसिक चीजों के बारे में मैं बताया हूं आपको। तो ये आपस में गुणा हो जाएगा तो सिक्स हो जाएगा, एक ही करनी हो जाएगी, ऊपर से जो बड़ी करनी रहेगी वही उसी तरह रहेगी। अब ये करनी यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर दो है, तो दो मैं बताया हूं जो अंदर वाला डिजिट रहता है उसके पावर के बटा में आ जाता है जो यहां पर दिया रहता है, अर्थात सिक्स पावर एक है बटा में दो हो जाएगा, ये पूरा करनी में हो जाएगा। अब देखिए फिर यहां पर करनी लगा है कुछ नहीं है तो दो मानेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर यहां पर दो जाएगा तो एक बटा दो हो जाएगा, तो सिक्स एक बटा दो इंटू एक बटा दो, सिक्स पावर वन अपन फोर, ये घातांक के रूप में इसको लिख दिया मैं। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीडीएस में 2008 में पूछा है, करनी में टू प्लस सेवन माइनस टू करनी में टेन की पूरे के करनी में, तो पूछा है इसका मान क्या होगा, इसको हल करना है। तो देखिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन हल करा चुका हूं, अभी जस्ट हाल ही में हल किया हूं, आप इसे वीडियो पुश करके लगा भी सकते हैं, बिल्कुल दो सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसको उसी तरह लिख दे रहा हूं। अब ये यहां पर 10 है तो ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जो गुणा करने पर 10 हो जाए और जोड़ अथवा घटाव करने पर 7 हो जाए, तो हमारा 5 और 2, बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस। करनी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, बस ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा करनी में 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में सभी सारे एग्जाम में आए हुए थे, सॉल्व करा दिया आपको। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड मैं जितने वीडियो लाऊंगा आपको मिलता रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं। धन्यवाद।